हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? तो बड़ों का हेयर कट करना तो इजी हो जाता है, लेकिन बच्चों के हेयर कट को लेके लोगों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये कमेंट भी बहुत आते रहता है कि मैम बच्चों का हेयर कट अच्छे से जमता नहीं है, हम किस तरीके से करें कि वो परफेक्टली हो सके। वैसे बच्चों के हेयर कट के ऊपर मैंने बहुत सी वीडियोज़ अपलोड की हुई है, लेकिन आज का जो वीडियो है वो शॉर्ट हेयर पे है। हेयर की थिकनेस आप देख ही सकते हैं, हेयर अच्छे थिक भी हैं और शॉर्ट भी हैं। तो ऐसे में आप कैसे कट करें? जब हेयर पतले होते हैं ना, तो उसमें कटिंग करना इजी हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन जब हेयर घने होते हैं तो उसको आप किस तरीके से कट करेंगे, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। हेयर को अच्छे से गीला करके कोम करके मैं टैंगल फ्री कर ली हूँ, और उसके बाद में क्या करना है, इस तरीके से सेक्शन डिवाइड कर लेना, और एक मीडियम सा जो लेयर है नीचे की तरफ सेक्शन आपको छोड़ना है। स्टार्टिंग हम यहां से करेंगे। इस वाले हेयर को कट करने के टाइम पे एक चीज का ध्यान रखेंगे कि ये हेयर आपका ऊपर के बाकी पूरे हेयर से सबसे ज्यादा छोटा होना चाहिए, मतलब अंदर के हेयर को हम छोटा कट करेंगे, तभी जाके ये जब हेयर की ग्रोथ बढ़ेगी तो ये उसी हिसाब से बढ़ेगा कि ये बाहर निकल के नहीं आएगा, है ना। तो इसकी जो ग्रोथ बढ़ेगी वो एकदम से आपके ऊपर वाले हेयर के अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा हेयर छोटे ही रहेंगे, बढ़ते तो सब एक ही जैसे हैं, लेकिन इसको हम छोटा कट कर देंगे तो फिर ये अंदर ही रहेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से टू फिंगर के बीच में ग्रिप करते हुए बराबर स्टेप्स नुमा कट करेंगे, उसके बाद में नीचे से इस तरीके से इक्वल कट कर देंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम यही होती है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि पूरे हेयर को बराबर बराबर ही कट कर देते, नीचे वाले लेयर को भी और ऊपर वाले हेयर को भी पूरा एक जैसे ही कट करते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ही 15-20 दिन, क्योंकि बच्चों की जो हेयर की ग्रोथ है वो ज्यादा जल्दी होती है, तो जैसे 1 मंथ ऐसा होता है तो हेयर ना ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं, रीजन यही होता है। और पतले पतले सेक्शन के साथ में ही काम करोगे, ठीक है, थिक लेयर के साथ में काम करोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पे हेयर देखिए छोटे ही हैं, और इसको मैं अच्छे से पूरा तीनों तरफ, मतलब कान ईयर टू ईयर और ये बैक वाला हिस्सा, तीनों को इक्वली मिलाते हुए कट करना है। फिर सिर को डाउन करेंगे और जो भी एक्स्ट्रा यहाँ से हेयर लगेगा उसको भी कट कर लेंगे। ये देखिए ये हेयर बहुत प्रॉब्लम देता है, तो इसको बहुत ही ध्यान से आपको इक्वली कट कर देना है। भले ही थोड़ा सा आपको 2-4 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा लगे, लेकिन आराम से करेंगे। उसके बाद में देखिए मैं ऐसा कोम से दबा दबा के कट कर रही हूं, कोम से दबाएंगे बराबर कट करेंगे। तो देखिए नीचे नेक लाइन पे एक अच्छी फिनिशिंग आ गई है, अगर मैं उसको ऐसे ही छोड़ती ना तो वो बहुत ही ज्यादा अजीब दिखता, खासकर जब बच्चा ऐसा हेयर को सिर को नीचे करता तो वो बहुत अजीब लगता। तो इसको ना ऐसा कोम में दबा दबा के जो है पूरे हेयर को इक्वली कट कर लेंगे। कान के पास वाले हेयर को आप फिंगर में ग्रिप करके कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो ये हमारा जो है फर्स्ट सेक्शन डन हो गया। उसके बाद में देखिए फिर से एक मीडियम सेक्शन में ले रही हूं। जितने ज्यादा हेयर घने होंगे आप सेक्शन भी उतने ही ज्यादा डिवाइड करेंगे, कम से कम 4-5-6। इसका कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं 3 सेक्शन में कर रही हूँ 4 में कर रही हूँ तो आप भी एग्जैक्ट उतना ही करें, नहीं। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से या फिर हेयर की थिकनेस के हिसाब से उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। अब देखिए इसको इस तरीके से अच्छे से कोम करते हुए नीचे की तरफ लाई हूँ, 2 फिंगर के बीच में ऐसा ग्रिप की, और इसको मैं नीचे वाले हेयर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा कट कर रही हूँ, ताकि जो फर्स्ट वाला सेक्शन है वो पूरी तरीके से अंदर की तरफ हाइड हो जाए, और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा लेंथ है उसको मैं शॉर्ट कर दे, मतलब कट करके निकाल दे रही हूँ। ये देखिए, तो जितना ज्यादा बड़ों के हेयर कट को लेके कमेंट नहीं आते, उससे कई गुना ज्यादा तो बच्चों के हेयर कट को लेके आते। ये बात सही भी है, बच्चों का बोलने से ऐसा लगता है ना कि नहीं छोटे बच्चे का तो हेयर कट है, लेकिन नहीं, उसमें और भी ज्यादा हमें सावधानी से और बहुत ही अच्छे से कट करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे हेयर को बस आपको लेते जाना है, कट करते जाना, कटिंग हमें बराबर ही करनी होगी। बस आपको क्या रहेगा कि जैसे जैसे हेयर आगे की तरफ जाते जाए आप भी हल्का सा आगे की तरफ होते जाएंगे, या फिर आप अपनी चेयर को घुमा लेंगे इस तरीके से। तो
तो ये हो गया। उसके बाद में ऊपर वाले सेक्शन से फिर से हमको हेयर को लेना है। इनके भी बालों की थिकनेस काफी अच्छी है, तो आप क्या करें, जो ऊपर वाला हेयर है चाहे तो ऐसा सेक्शन डिवाइड कर लें, या फिर अगर कम है, यहाँ पे इनका हेयर अब मीडियम बचा है तो इसको मैं पूरा एक साथ में ओपन कर ले रही हूँ, है ना। अब मैं आपको फ्रंट लुक दिखाती हूँ। फेस लुक अभी देखिए, अभी हेयर कट पूरी तरीके से डन नहीं हुआ है, लेकिन कटिंग होने के बाद ना, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, हर किसी का फेस बहुत चेंज दिखने लगता है। एकदम जो क्यूटनेस है ना, वो एकदम ज्यादा ही हो जाती है, ओवरलोडेड हो जाती है, बहुत प्यारा लगने लगता है। तो यहाँ पे स्ट्रेट पार्टिंग करने के बाद में हमें फेस को थोड़ा सा डाउन रखना है और इस तरीके से हेयर को ग्रिप करना है। नीचे वाला जो हमारा गाइडलाइन है, ठीक है, उसके बराबर इसे हम कट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी हाइड हो चुका है, हमने उसे थोड़ा सा बड़ा कट किया होता, अब इस वाले सेक्शन को उसके हम बराबर कट करेंगे। मतलब पहले पहला वाला जो सेक्शन कट होगा वो आप छोटा कट करोगे, उसके बाद जब सेकंड सेक्शन डिवाइड करोगे तो उसको थोड़ा सा बड़ा कट करोगे, उसके बाद में फिर ऊपर के जितने भी हेयर होंगे उसके बराबर बराबर आप कट करते जाएंगे। ये देखिए, ठीक है, फिर से हेयर को लेना है और ऐसा ग्रिप करना है। बच्चों के बालों पे आप कैसे ब्लो ड्राई कर सकते हैं, इसका वीडियो मैं अलग से अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा कि कैसे करना रहता है। और ब्लो ड्राई को लेके मेरे पास में एक कमेंट ये भी आया था कि हेयर डैमेज हो जाते हैं क्या मैम, तो देखिए चलाने चलाने के ऊपर भी होता है। पहली बात तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत होती है, जब भी आप ब्लो ड्राई करते हैं थोड़ा सा दूर रख के हल्का सा करना होता है, लेकिन उसमें नोजल ऑलरेडी दिया रहता है, अगर आपके हेयर से वो टच हो भी जाता है तो आपके हेयर को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि नोजल की लंबाई आप देख सकते कितनी रहती है, तो उससे हो जाता है। और साथ ही साथ ना आप क्या करें, हल्का सा हीट प्रोटेक्टर स्प्रे कर दें, उसके बाद में आप हीटिंग टूल्स यूज कर सकते हैं। अब सामने वाले हेयर को ऐसा इक्वली एकदम सामने की तरफ लेके आना है और ये बराबर कट कर देना है। साइड वाले हेयर को भी एक साथ ऐसा मिक्स करेंगे और कट कर देंगे। ये देखिए, जब हमें बड़ों का स्ट्रेट कट करना होता है ना, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती उसमें, हमें उसमें भी आप सेक्शन वाइज डिवाइड करके कर सकते हो। किसी दिन मैं आपको सेक्शन के हिसाब से सेम ऐसे ही स्ट्रेट कट करना भी बताऊंगी, वैसे बता चुकी हूँ फिर भी मैं बताऊंगी, क्योंकि नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ में, तो मैं बताऊंगी। और ऐसा सिंपली तो आप एक साथ में भी कॉम करके कट कर सकते हो और जल्दी भी हो जाता है, उतना टाइम नहीं लगता, लेकिन बच्चों के हेयर कट में हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैं जो है थोड़ा सा ब्लो ड्राई की हूँ बालों पे, और देखिए नीचे से कितना ज्यादा बाउंस लग रहा है, क्योंकि हेयर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, सिल्की है, बहुत ही हेल्दी एंड थिक हेयर है, तो ऐसे बालों पे जब कटिंग कंप्लीट होती ना, तो फाइनल जो लुक निकल गया था ना, वो बहुत ही अमेजिंग होता है। ये देखिए, तो और बड़ों की अपेक्षा ना बच्चों की हेयर ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती, बहुत ही जल्दी। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है, ये देखिए। अब जैसे कि ये कोई भी ड्रेस वेयर करे, स्कूल जाना है तो यूनिफॉर्म पे भी इसमें बस ये हेयर बैंड लगा लेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ में कोई भी इंडियन वेस्टर्न आउटफिट वेयर करेंगी किसी भी फंक्शन में, तो वो भी इस टाइप का हेयर स्टाइल बहुत प्रीटी लगता है, बस आप अच्छे से क्लिप कर लें या फिर थोड़ा सा ना ब्लो ड्राई करवा लें बालों पे, बहुत प्यारा लुक आता है और क्वालिटी बहुत औसम है इनके बालों की। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा नेक नीचे करके दिखाऊंगी, ये देखिए सिर को मैं हल्का डाउन किया और देखिए कितना फाइन तरीके से कट हुआ है, अंदर का हेयर पूरी तरीके से हाइड हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी कि अंदर वाले हेयर आपको हाइड कर देने हैं और ऊपर वाले हेयर ना, जैसे कि ग्रोथ बढ़ेगी तो भी इनके हेयर ऐसे अंदर के साइड में मुड़े हुए रहेंगे, वरना अगर आप पूरा ऐसा बराबर बराबर ही कट करते जाओगे ना, तो वो हेयर ना कुछ दिन के बाद ही, 15-20 दिन के बाद ही वो ऊपर की तरफ निकल के आ जाएगा, तो हेयर का जो भी शेप आपने दिया हुआ है वो पूरी तरीके से एकदम ऊपर के साइड मुड़ जाएगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। अब इनके हेयर अगर बढ़ जाएंगे तो भी ये बहुत अच्छा दिखते रहेगा और फ्रंट लुक देखिए कितना प्रिटी लग रहा है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बच्चों का हेयर कट कैसे करना चाहिए। और मैं जस्ट नहा के निकली थी, मेरे हेयर पे अभी भी टॉवेल लगा हुआ है, आपको दिखा होगा बैक साइड से, तो मैं भी अपने बालों को थोड़ा सा ट्रिम करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे भी हेयर की लेंथ बढ़ गई है और मैं बहुत जल्दी जल्दी अपने हेयर को थोड़ा थोड़ा ट्रिम करते रहती हूँ,
तो सोचूंगी कि मैं आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर कर पाऊँ। अब किसको किसको मेरे सेल्फ हेयर कट की वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है। हेयर कट होने के बाद ना बच्चों का जो क्यूटनेस है ना वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही प्यारे लगने लगते हैं। जैसे बड़ों का फुल फेस मेकओवर हो जाता है, सेम वैसे ही बच्चों का भी हो जाता है। बच्चों के हेयर कट की बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैंने वीडियोस अपलोड की हुई, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि फ्रंट हेयर कट कैसे करना है, लॉन्ग हेयर पे कैसे करके देना है, और अलग अलग क्वालिटीज़ पे भी मैंने बताया हुआ है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। कल मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें। लव यू ऑल, बाय एवरीवन।